फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है ना। बहुत से भाई लोग हैं जो नए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है, ठीक है ना, कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है। ज़्यादा लोग सुने हैं कि जैसे कि शटडाउन प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, शटडाउन में जाना है, ठीक है ना, और लंबा समय के लिए जाना है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट यानी कि शटडाउन के बारे में। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को ही हम लोग शटडाउन बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म दो प्रकार का होता है, एक आपसे बता दूँ, एक महीना से लेकर तीन महीना के लिए जॉब होता है जिसको शटडाउन बोला जाता है, यानी कि 3 मंथ के अंदर के लिए आप जाएंगे, 3 महीना के लिए केवल आप जाएंगे काम करने के लिए। तो जो परमिट होगा, वर्क परमिट, वो 3 महीना के लिए वैलिड होगा, 3 महीना के लिए आप जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको केवल नॉर्मल मेडिकल होगा, कहीं कहीं पर मेडिकल भी नहीं होता है, ठीक है ना, दमका मेडिकल कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, जो शटडाउन है, ठीक है ना, उसको हम लोग शटडाउन बोलते हैं। और उसमें आपसे बता दूँ कि सैलरी आपका ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटा जॉब रहता है और उसमें मेडिकल कंपलसरी नहीं रहता है। और समझ लीजिए कि वो इसलिए होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी में इमरजेंसी काम आ गया, ठीक है ना, कोई कंपनी में इमरजेंसी काम आ गया, कोई लाइन है जिसको बहुत जल्दी तैयार करना है, ठीक है ना, चाहे कोई लाइन ब्लॉक है इसको कंप्लीट करना है, तो इसीलिए शटडाउन कंपनी निकालती है कि शटडाउन आदमी बुलाया जाए इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, और जल्दी से इस लाइन को कंप्लीट कर दिया जाए, जिसको हम लोग शटडाउन बोलते हैं। एक इसी में होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 6 से 9 महीने तक जॉब होता है, यानी कि 6 महीना भी आप रह सकते हैं और 9 महीने तक रह सकते हैं। हाँ, 1 साल नहीं रहेंगे, 1 साल तब रहेंगे जब अगर मान लीजिए कि 9 महीने आप काम किए और काम ज़्यादा है तो कंपनी सोचेगा कि ये जो बंदे को बुलाए हैं इसी बंदे को लॉन्ग का वीज़ा लगाकर यानी इम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाकर इसको लॉन्ग टर्म तक रख लिया जाए, ठीक है ना, तब जाकर कंपनी आपको हायर करती है और रखती है, ठीक है ना। तो इस ये एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, जिससे 6 महीना से 9 महीने तक का वीज़ा उसमें आपका इशू होता है। 9 महीना से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं, 9 महीना के ऊपर तभी रहेंगे जब आपका वीज़ा इम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी लगाएगी, ठीक है ना, यानी कि 1 साल या 2 साल, 1 साल से ऊपर लगाएगी तो इम्प्लॉयमेंट आपका होगा, ठीक है ना। अगर 1 साल से कम का वीज़ा लगा रही है तो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है ना, जिससे 6 से 9 महीना और शटडाउन हो जाता है 3 से 6 महीना, ठीक है ना, 3 महीना, 1 से 3 महीना, सॉरी, ठीक है ना। ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और अब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का मतलब कि आप कोई भी कंपनी में जाइए, चाहे बेक्टल में जाइए, चाहे NSH में जाइए, चाहे कोई, जैसे अभी हम लोग ही आए तो हम लोग का लॉन्ग टर्म है, यानी कि हम लोग का 2 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी जा रहे हैं बड़ी कंपनी में तो लॉन्ग टर्म का मतलब कि आपको कम से कम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो देगी, ठीक है ना। विजिट वीज़ा पर बहुत कम प्रोजेक्ट मतलब कंपनी आपको हायर करती है, ठीक है ना। विजिट वीज़ा का मतलब हो गया 3 से 6 महीने के लिए, 1 से 3 महीने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 99% कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपसे बता दूँ कि जो चोर कंपनियाँ रहती है, जैसे कि सप्लाई कंपनी रहेगी, वो 3 महीने का 2 महीने का वीज़ा आपको देगी, लेकिन उसी में फंसने का चांस रहता है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ पे आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि आप कभी भी एग्रीमेंट साइन कीजिए या कोई क्लाइंट आया है उसे इंटरव्यू दे रहे हैं तो पहले 1000 बार पूछिए कि भाई ये हमारा वीज़ा जो है वो विजिट है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो उसको पैसा मत दीजिए एजेंट को, ठीक है ना, एजेंट को पैसा मत दीजिए। जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, 2 साल का वीज़ा रहेगा, वो भी वीज़ा वैलिड रहेगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी वीज़ा देते हैं, जितना एजेंट लोग हैं बहुत से चोर आप इससे जो आपको फर्जी भी वीज़ा दे देंगे और बोलेंगे उस पर सब कुछ लिखा रहेगा, प्रिंट आउट उसका निकाल लेंगे, लेकिन जब जैसे आप चेक करेंगे QVC वीज़ा, ठीक है ना, चाहे यहाँ का मोफा नंबर या सऊदी आप आ रहे हैं तो सऊदी का अपना वीज़ा चेक करेंगे, उसका सबका वो है एप्स है, तो जब जैसे चेक करेंगे तो वो वीज़ा उसमें दिखाएगा ही नहीं, शो नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसमें आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लॉयमेंट जब भी वीज़ा रहेगा तो उसको चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद ही समझ लीजिए कि एजेंट को पैसा दीजिए या ऑफिस में पैसा पे कीजिए, ठीक है ना। बिना वीज़ा चेक किए, अपना नाम चेक किए, वीज़ा जब चेक करेंगे उस पर आपका नाम रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, गल्फ में आप कहीं पर भी विजिट कर रहे हैं, चाहे सऊदी हो या दुबई हो या कतर हो या बहरीन हो या ओमान हो या कुवैत हो, ठीक है ना, कहीं पर भी विजिट कर रहे हैं तो एक चीज़ वीज़ा चेक करने में सबसे आसानी आपको होगी कि आपका नाम इंग्लिश में भी लिखा रहेगा और ठीक उसके नीचे अरबी में भी लिखा रहेगा, अरबी, ठीक है ना। अरबी शब्द जो है ना वो उर्दू से मैच नहीं करता है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, तो अरबी में भी लिखा रहेगा। तो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, समझ लीजिए, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर,
ठीक है ना, ये सब कुछ उसमें ऐड रहेगा और इम्प्लॉयमेंट है कि विजिट है, कंपनी का नाम सब कुछ अरबी में भी रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। तो ये चीज़ फ्रेंड मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप वीज़ा चेक कीजिए तो उसमें अरबी में, यहाँ का अरबी जो है वो लैंग्वेज में भी लिखा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ का गवर्नमेंट समझ लीजिए, सऊदी हो या दुबई हो या कतर हो, बहरीन हो, तो अपना लैंग्वेज परफॉर्मेंट करती है, ठीक है ना। सबसे पहले उनका लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद इंग्लिश शब्द रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो शब्द में लिखा रहेगा, और जो फर्जीवाड़ा रहेगा उसमें केवल इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इस चेक करने का बेस्ट तरीका है। तो ये चीज़ होता है लॉन्ग प्रोजेक्ट और शॉर्ट प्रोजेक्ट। लॉन्ग प्रोजेक्ट मतलब कम से कम 2 साल आपको रहना है, 1 साल आपको रहना है, और इम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। और लॉन्ग टर्म में आपसे बता दूं कि जो साइन होता है एग्रीमेंट, उसमें आप देख लीजिए कि 2 साल का में आपका टिकट रहता है, किसी कंपनी का 1 साल का रहता है। जैसे STS कंपनी में आप जा रहे हैं तो 1 साल पे टिकट रहे, ठीक है ना, 1 साल पे ही आपको छुट्टी देती है। और बाकी दूसरी कंपनी और से कंपनियाँ हैं जिसमें 2-2 साल पे छुट्टी है, 2 साल पे आपको 2 महीना का छुट्टी देती है, ठीक है ना, 1 साल पे 1 महीना का छुट्टी देती है, ठीक है ना। तो बहुत अंतर रहता है समझ लीजिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं रहता है समझ लीजिए, और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में भी चले आते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और पैसा 80,000 1,00,000 रुपये भर देते हैं। और यहाँ आने के बाद मालूम चलता है यार उनका तो विजिट वीजा है, हमारा तो विजिट वीजा है, मैं आ गया यहाँ पे, एजेंट हमसे इतना पैसा ले लिया, 80,000 ले लिया, और यहाँ पे 3 महीने का काम ही है, 3 महीने के बाद घर चले जाते हैं। तो बताइए फ़ायदा क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, ठीक है ना। और सैलरी भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहती है। लॉन्ग टर्म में सैलरी कम रहती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग विक्टर में आए हैं तो 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का एग्रीमेंट किए हैं, तो हम लोग का सैलरी कम है। और अगर यही शटडाउन रहता तो सैलरी ज़्यादा रहती है। जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आप पाइप फिटर से जा रहे हैं तो आपका सैलरी खूब ज़्यादा रहेगा, तो 1600-1800 रहेगा। अगर यही शटडाउन में जाएंगे तो 2200-2400-3000 तक सैलरी देती है, ठीक है ना। सेम फोरमैन है, फोरमैन में जा रहे हैं तो 2000-2500 सैलरी रहेगी, 3000 रहेगी। अगर यही शटडाउन में जाएंगे तो समझ लीजिए 4000-5000 रुपये तक सैलरी देती है। सेम रिगर में है, सेम बिल्डर में, हर ट्रेड में। अगर छोटा जॉब में जाएंगे, छोटा प्रोजेक्ट में, शटडाउन में, शॉर्ट टर्म में, 6 से 9 महीने, 1 से 3 महीने के लिए, तो उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा कंपनी देती है। और मिनिमम चार्ज शटडाउन में, एक चीज़ और कंपलसरी बता दूँ कि आपको पैसा ज़्यादा नहीं भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट रहता है 2000-3000-5000 रुपये तक भरना है, जो 3 महीने के लिए जाएंगे। लेकिन बहुत से एजेंट लोग हैं 10-10-20-20 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखिए, ठीक है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए।